टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, फ्लैजेला जो होता है दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज प्रोट्रूडिंग थ्रू द सेल वॉल। ये भी बताया कि एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेलिन, और फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसमें जो फ्लेमेंट होता है, फ्लेमेंट इज एंटीजेनिक और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एंटीजेनिक। ये सिर्फ रिविजन के लिए भी बता रही हूँ। आज जो मुझे आपको पढ़ाना है दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, कि फ्लैजेला के कितने कितने टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप ऑफ फ्लैजेला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकेट फ्लैजेला। द टाइप ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकेट या ट्राइकस फ्लैजेला। किस फ्लैजेला को आप मोनोट्राइकस कहेंगे? जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और आपको दिखेगा बॉडी पर सिर्फ एक फ्लैजेला है, कहीं से फ्रॉम एनी साइड, अपर साइड, लोअर साइड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एनी ऑफ द पोल, बट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फ्लैजेला, दैट टाइप ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस फ्लैजेला। मोनो मीन्स सिंगल। व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बैक्टीरियल सेल पोजेसेस ओनली वन फ्लैजेला, दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस फ्लैजेला। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस फ्लैजेला। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जब बैक्टीरियल सेल के पास दो फ्लैजेला होंगे ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखा देयर इज ओनली वन फ्लैजेला, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। और थर्ड, यहां आप देख रहे हैं दो फ्लैजेला है, ओके, नॉर्थ पोल पे भी है, साउथ पोल पे भी। दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मींस टू फ्लैजेला। When a bacterial cell possesses two flagella, the cell is called, the flagella is called as amphitrichous flagella. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको पढ़ाया जाता है, it is a technical language. आगे जब आप किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे this is a monotrichous bacteria. The bacteria possesses monotrichous flagella. आपको समझना है कि इस बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक फ्लैजेला है, या किसी बैक्टीरिया में आप पढ़ेंगे this bacteria possesses amphitrichous flagella. आपको समझना है amphitrichous का मतलब होता है इसके पास दो फ्लैजेला है। This is the technical language. आगे कहीं भी आप पढ़िए, वहां आपको नहीं बोलेंगे कि जी एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जिसके पास दो फ्लैजेला होते हैं, नहीं, वहां आपको बताया जाएगा इट इज एम्फीट्राइकस फ्लैजेला। आपको खुद समझना है एम्फीट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरियल सेल पोजेसिंग टू फ्लैजेला। ओके, थर्ड टाइप ऑफ फ्लैजेला होता है जब एक गुच्छे की तरह बैक्टीरियल सेल पे फ्लैजेला होंगे ऐसे करके, लाइक द बंचेस, दिस इज कॉल्ड एज लिपोट्राइकस फ्लैजेला। लिपोट्राइकस मींस जब एक गुच्छा सा फ्लैजेला का होगा, बड़ा सा मोटा सा गुच्छा होगा एक साइड, रीजन जरूरी कि इसी साइड पे होगा, इट कैन बी ऑन दिस साइड आल्सो, ओके, इट कैन बी ऑन ईदर ऑन दिस साइड, ईदर ऑन दैट साइड, बट अ बंच ऑफ फ्लैजेला टुगेदर, बंच ऑफ फ्लैजेला टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स लिपोट्राइकेट फ्लैजेला और लिपोट्राइकस फ्लैजेला। ओके, फोर्थ टाइप होता है स्टूडेंट्स, आप क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो पूरी की पूरी फ्लैजेला से भरी होती है ऐसे। द होल बॉडी ऑफ द बैक्टीरियल सेल पोजेसेस फ्लैजेला, द होल बॉडी इज फ्लडेड विद द फ्लैजेला, दैट टाइप ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस फ्लैजेला। पेरीट्राइकस फ्लैजेला, पेरीट्राइकस का मतलब होता है व्हेन द बॉडी, होल बॉडी पोजेसेस द लार्जर नंबर ऑफ द फ्लैजेला, जिसकी बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे हर जगह फ्लैजेला ही फ्लैजेला होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस फ्लैजेला। तो स्टूडेंट्स, फ्लैजेला के चार मेजर टाइप्स होते हैं, जो ही आप आगे पढ़ेंगे तो चार मेजर टाइप्स होते हैं। मोनोट्राइकस फ्लैजेला, मोनोट्राइकस मीन्स व्हेन द बैक्टीरियल सेल पोजेसेस ओनली वन फ्लैजेला। एम्फीट्राइकस मीन्स व्हेन द बैक्टीरियल सेल पोजेसेस टू फ्लैजेला। Lipotrichus means when the bacterial cell possesses a bunch of flagella, either on the upper side or on the lower side. And peritrichous flagella is that kind of flagella when whole bacterial body possesses the flagella everywhere. Har jagah jahan par flagella ko, jahan flagella band hota hai, puri body pe har jagah flagella hota hai, that is called as peritrichous flagella.
स्टूडेंट्स, इससे हमें व्हेन यू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ द फ्लैजिला, आप इससे ये पता कर सकते हैं जिस बैक्टीरिया में ज्यादा फ्लैजिला होंगे वो बैक्टीरिया ज्यादा वायरलेंट होगा, उसमें इंसान को बीमार करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। इफ यू लुक एट दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच पोजेसेस ओनली वन फ्लैजिला, ये उतना ज्यादा वायरलेंट नहीं होगा व्हेन इट इज टू बी कंपेयर्ड विद एम्फीट्राइकस। Amphitrichate bacteria will be more virulent in comparison to the monotrichate. And when this amphitrichate is to be compared with the lipotrichate bacteria, lipotrichate is more virulent than amphitrichate. And the most of the virulence, सबसे ज्यादा virulency capacity किसमें है? That is the peritrichate flagella. Because more the number you increases, जितना ज्यादा flagella का number increase होगा, उतना ज्यादा bacterial cell virulent होगी. Higher the number of bacteria present in higher the number of flagella present in a bacterial cell, higher is the virulence. Why? Because I told you in the last lecture, flagellated bacteria have more capacity of causing illness. उनमें ज़्यादा capability होती है इंसान को बीमार करने की। और इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने हालांकि एक वीडियो अपलोड हो चुका है हैंग इन ड्रॉप मेथड, उसमें आप देख सकते हैं इसको कैसे डिमोन्स्ट्रेट करते हैं फ्लैजिला को लैब के अंदर, आप चेक कर सकते हैं, देयर इज अ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैंग इन ड्रॉप मेथड फॉर डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला। डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो बेस्टेस्ट मेथड है दैट इज हैंग इन ड्रॉप मेथड, वो पहले ही अपलोड हो चुका है वो वीडियो, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दिस इज द one of the easiest method to demonstrate flagella को lab के अंदर demonstrate कर सकते हो आप। simply इसकी जो thickness होती है flagella की that is about 0.02 nanometers in its thickness, it should be ज़्यादा सो मुट चीज आसान किया गया तो microscopes में बिछा चुके तो अच्छा सा ये हल्की सी line, हल्का हल्का सा थ्रेड स्ट्रक्चर, जैसे आपका धागा होता है बिल्कुल थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू यूज इस हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और इसमें आपको ये मूवमेंट दिखाई देती है, ब्राउनियन और जिगजैग मूवमेंट यू डिमोन्स्ट्रेट इन द हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और अगर आपको ये मूवमेंट दिख रही है इट इंडिकेट्स द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। थैंक यू।